दुबई में पड़ती है। आईफोन 11 प्रो 2200 दरम में है। 300 दरम का भी फोन है ये, 350 में मिल जाएगा। i5 के साथ है, सोनी 5 का प्ले स्टेशन। सो गाइस वेलकम अगेन। सो गाइज हम आ चुके हैं ड्रीम सिटी शॉप के अंदर, दुबई के अंदर, बुर दुबई के। काफी बड़ी शॉप है, आप देख सकते हो। ऊपर लिफ्ट लगी है, भैया ऊपर चढ़ गए। अभी आएंगे और मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है, किस किस प्राइस में मिलता है। और थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, थोड़ा बहुत रेंज ऊपर नीचे होती है। जो प्राइस आपको आज दिखेगा जरूरी नहीं उस दिन यही प्राइस मिले, हो सकता है वो प्राइस कम भी हो सकता है, वो प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, तो बाकी आपकी किस्मत। शॉप पड़ती है बुर दुबई के अंदर और हाल फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे पीछे दुनिया भर का स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, दुनिया भर का। आप चाहे आईफोन हो, चाहे कैमरा हो, चाहे गिम्बल्स हो, हर एक चीज आपको यहाँ मिलने वाली है बहुत इजीली। तो आपको ऑलमोस्ट जितनी चीजें होंगी मैं आपको शेयर करूंगा। उसके अलावा व्हाट्सएप पे इनका नंबर होगा, व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं हो सकती, व्हाट्सएप पे आप इनका प्राइस शेयर कर सकते हो और जब भी दुबई आना हो या किसी के थ्रू आप मंगवा सकते हो या पर्सनली भी बाय कर सकते हो। हमारे साथ है नवाज भैया, कैसे भैया? तो भैया आपके पास ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है व्लॉगिंग से रिलेटेड, ए टू जेड मिलेगा। मतलब बड़े से बड़ा अगर कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह करता है, जो प्रोफेशनल करता है, सारा सामान मिलेगा। ओके, आप देख सकते हैं पीछे कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, तो अभी आपको एक एक करके सारी चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो भैया बताओ थोड़ा सा क्या प्राइस डिफरेंस होगा, थोड़ा आइडिया दे देना, थोड़ा आइडिया पड़ ही जाएगा वैसे लोग जो लेने वाले हैं उनको पता ही होगा। प्रोफेशनल लोग के लिए हमारा पास अभी नया आया है सबसे लेटेस्ट वाला, ओके, 74 सोनी का लेटेस्ट है ये, तो बिल्कुल भी रिलीज हुआ है एकदम लेटेस्ट, अभी जस्ट कल रिलीज हुआ, कल रिलीज हुआ है, क्या बात है। ये बॉडी के साथ अभी ना, ये सिर्फ बॉडी है अभी, ओके, कोई भी लेंस आपको इसमें अटैच हो जाएगा। और क्या कॉस्टिंग करता है यहाँ पे? ये अभी 11,000 का है, 11,000 का है, 11,000 धर्म का है। और इंडिया में क्या कॉस्ट होगी इसका? इंडिया में तो आया नहीं होगा, अभी लॉन्च ही नहीं हुआ। सो गाइज ये 11,000 का है यहाँ पे, और सीरियसली तो आगे पीछे होते रहेगा। हाँ, वो तो अभी ये नया आया हो सकता है इसलिए प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और इसका लेंस वगैरह क्या कॉस्ट करता है, तो थोड़ा फटाफट थोड़ा बताइए। 2470 कितने का पड़ता है? 2470 ये F4 वाला है, ओके, ये मिलेगा आपको 2500 का, 2500 रुपए का जी, ओके। और इसमें GM लेंस आता है, वो सब हमारा स्टोर में है, ठीक है। और ये 24mm उसमें 1.4 GM वो 4200 का है, 4200 का जी, ओके। कैमरा से ये सब A7 अल्फा ये तो बहुत बिका है। हाँ। ये प्राइसिंग इसकी बॉडी क्या है, कॉस्टिंग है? ये बॉडी आपको मिलेगा 6250 में, 6250 में इसकी बॉडी पड़ेगा, सबसे ज्यादा सेलिंग वाला कैमरा है। और अभी वो नया भी तो आया 7C भी तो आया, कोई 7C भी है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये ज्यादा बिकता है, ये ज्यादा बिकता है जी। और उसके साथ जो एक और पड़ा हुआ शॉर्ट कैमरा जो 6400 ये क्या कॉस्ट करता है? 6400 आपको मिलेगा 3550 का, ये भी बॉडी के साथ है जी, लेंस के साथ, लेंस है, किट लेंस के साथ है इसका। किट लेंस कितना उसका होता है इसका? उसका 1650 लेंस आता है उसका, ओके, ठीक है। अच्छा। तो आप देख सकते हो कैमरास काफी सारे हैं और उसके अलावा कैनन भी है इनके पास। ये कैनन का जो भी लेटेस्ट आया है वो भी थोड़ा एक आईडिया दे दो, जैसे आपने ये रखा हो 90D। हाँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट है। हाँ, ये लेटेस्ट है, थोड़ा हो गया अभी 4-5 महीना हो गया। फुल फ्रेम कैमरा है ना? फुल फ्रेम नहीं है ये, फुल फ्रेम नहीं है, ओके। तो ये क्या कॉस् ट करता है? ये आपको आएगा 5150 बड़े लेंस के साथ, 18-135 के साथ आएगा, बहुत बढ़िया। और अभी जो फुल फ्रेम आता है कैनन में वो ये मिलेगा 6D Mark II, ओके। ये बॉडी मिलेगा आपको 4450 में, 4450 इसमें। और सोनी में फर्क क्या है? सोनी अभी साइज में छोटा है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है। हाँ। वो तो इजी टू कैरी है, इजी टू कैरी, प्राइस भी थोड़ा इससे ज्यादा रहेगा। हाँ, प्राइस इसलिए ज्यादा हो जाता है। और ये लेंस के साथ है बॉडी है? बॉडी है, एज कम्पेयर सोनी से तो इसके लेंस सस्ते पड़ते हैं ना, सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे मूविंग वाला कैमरा है 5D Mark IV, ये भी फुल फ्रेम है, ओके, बड़ा लेंस के साथ है, 24-105 F4 लेंस के साथ, ठीक है। वो आएगा आपको 11
11,600 का। उसके अलावा भैया और बहुत सारे कैमराज हैं, कैमरे जो जो कहोगे सारे मिल जाएंगे, कैमरा में कोई इश्यू नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी है। तो लेंसेज आपने बताई दी है, लेंसेज के प्राइस कितने स्टार्ट होते हैं जो बताया, 2470 कितने बताया आपने? 2470 2400 का पड़ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 20 से। उसका जो अगला वाला है 90mm का है, 3300 का है। उसका वो आगे जूम लेंस है 55-210 का है, सेवन हंड्रेड धर्म का है। तो उसके अलावा सारे लेंसेज मिल ही जाने हैं सारे। सार तो आप नए में डील करते हो, थोड़ा यूज भी कोई हुआ है तो वैसे भी यूज वाला नहीं, यूज नहीं करते, तो सब न्यू चीज मिलने वाली है। अगर कोई बाय चांस अगर कोई दे जाता है, ऐसा कुछ होता है आप लेते हो, कभी होता है तो मिल जाता है तो ले लेते हो, देता है ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कैमराज की, बात हो रही है तो छोटे कैमराज पे आ जाते हैं, एक्शन कैमराज जो कि पीछे पड़े हैं। तो भैया आप बताइए एक्शन कैमरा में जो अभी लेटेस्ट है, अभी लेटेस्ट ये चल रहा है GoPro 10 ये क्या कॉस्टिंग करता है? ये अभी 1675 का है। 1675 का है, ओके। और ये किट के साथ है, विदाउट किट है? नहीं, विदाउट किट है, ठीक है। और GoPro 9 इसके हिसाब से कितने का पड़ रहा है? आपको मिलेगा 1340 का, काफी फर्क आ गया, ठीक है। और इससे पुराना जो 8 आता है वो पड़ा नहीं है, पर वो कितने का? 1100 का हो गया है। कॉम्बो किट के साथ है या नहीं? नहीं, किट कॉम्बो आपको जैसा मर्जी से आपको ले सकता है, अलग अलग इंडिविजुअल। और ये इंस्टा 360X जो है ये अलग है? ये अलग है, उसका केसिंग है। इंस्टा में अभी देखो इसमें X2 है, ये ज्यादा चलता है। X2 ये कितने का है? 1575 का, ओके। दूसरा ये ट्विन एडिशन वाला, ये दोनों काम करते हैं, एक्शन कैमरा का भी और उसका ही करता है। ये कितने का? ये मिलेगा आपको ऑलमोस्ट वही प्राइस है 1600 का पड़ता है, ठीक है। और बाकी उसके अलावा बाकी ये छोटा कैमरा, हाँ ये लेटेस्ट नया है बिल्कुल, छोटे वाला बटन की तरह। ये क्या कॉस्टिंग करता है? 1150 का है। ये नॉर्मली कैमरा है या कुछ इसमें अटैचमेंट्स और भी है? कैमरा ही है, ठीक है। उसके अलावा सर और क्या चीजें हैं, जैसे अभी गिम्बल्स हैं? गिम्बल्स है, सबसे ज्यादा DJI के चलते हैं, DJI का ज्यादा चलने वाला। DJI का ये Osmo 4 है आपके हाथ में? 3 है, 4 है, 5 है, ओके 5 बिल्कुल लेटेस्ट है। तो क्या कॉस्टिंग है इसकी? ये 3 है, ये 350 का है, 350 का 3 है, ये 4 है, 450 का है, 450 का है, ये 570 का है, 570 का है लेटेस्ट वाला, ओके लेटेस्ट वाला। तो इसमें मतलब खराब होने की दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई खराब नहीं होता है। या अभी कैमरास में कुछ और भी हमारे पास? कैमरा में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, या कुछ और भी है सर? दूसरा लो रेंज में भी है कैमरास बिगिनर्स के लिए, 4000 DB है, नहीं 4000 स्टार्टिंग बिगिनर कैमरा, वो कितने का है? वो मिलेगा आपको 1180 का है, 1180 का। आज का प्राइस ये है, प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहता है, उसमें लेंस इंक्लूड रहता है, लेंस इंक्लूड किट लेंस के साथ। तो स्टार्टिंग कैमरा ही आपका मात्र 11 कितना बताया सर? 1180 लेटेस्ट, मतलब नया कैमरा, तो इसका मतलब समझ रहे हो अराउंड 24,000 से 25,000 के आस। तो बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इतने से मतलब हमारे इंडिया में तो सेकंड हैंड कैमरा मिलते हैं। उसका नेक्स्ट लेवल कैमरा है 2000D, ये 24 मेगापिक्सल वाला, 24 मेगापिक्सल वाला, ओके। ये मिलेगा 1325 में, 1325 में। अभी 200D का नया वर्जन भी आ चुका है, 250D आया है, 250D आया है, वो कितने का है? वो मिलेगा 2150 में, 2150 में। उसमें एक नया एक्सपो किट आया है, वो क्या है? एक्सपो के लिए स्पेशल ऑफर। ये क्या है सर? ये डबल लेंस वाला किट है, ओके। अच्छा इसमें डबल लेंस है? हाँ डबल लेंस है, ओके। इसमें आपको 75-300 और नॉर्मल लेंस, बैग, मेमोरी कार्ड सब कुछ मिलेगा, ओके। स्पेशल ऑफर है 2750 में। और ये कौन सा कैमरा है? 250D वही कैमरा है, पूरा किट कॉम्बो के साथ है, ओके। अलग से लेंस लेगा महंगा पड़ जाएगा, ओके। तो एक चीज और बताइए, ये चीजें जो हम देख रहे हैं इस किसी मतलब ज्यादातर लोग आएंगे और लेके जाएंगे, इंडिया ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेके जाएगा। ये जो आप प्राइस बता रहे हो इंक्लूडेड 5% टैक्स के साथ है, विदाउट टैक्स है? नहीं, अभी टैक्स वाला भी है, उसमें विदाउट टैक्स में भी प्राइस बोला है, जो भी है आपको मिक्स है, मिक्स है, मतलब जो क्योंकि अच्छा जो अगर मान लो हम विदाउट टैक्स वाला लेके जाते हैं तो एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? ऐसा बिल वाला लेना चाहिए, बिल वाला लेना अच्छा रहता है ना टैक्स के साथ, वो तो वैसे ही वहाँ पर रिटर्न मिल ही जाता है 5%, तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास गिम्बल्स वगैरह भी हैं कैमरा से रिलेटेड? मिलेगा हाँ, गिम्बल्स वगैरह भी हैं, मतलब चीजें बहुत सारी हैं, ऑल इन वन सब कुछ सामान आपको यही मिलने वाला है। तो और भैया और कैमरा में और कौन सी चीज है अपने पास? कैमरा में उसका सॉफ्ट बॉक्स वगैरह है, ओके। ये देख सकते हो कैमरा में अगर प्रोफेशनल और लाइटिंग फ्लैश ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, इनके प्राइसिंग में नहीं बताने वाला, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। भैया ये क्या है?
वो माइक है, वायरलेस माइक है, वायरलेस माइक है। जैसे रोड का आता है ये वही है? वही है। ओके, रोड नहीं है वो अलग है। क्या कॉस्टिंग है इसकी? वो मिलेगा आपको 650 का। 650 का 3-in-1 है, टू माइक आएगा। तो ये नाम पहली बार देखा है, कुछ इसमें वर्थ है इसकी? वोडॉक्स तो वेरी पॉपुलर है, वोडॉक्स। हाँ, वोडॉक्स ब्रांड है। तो इसकी क्या रेंज वगैरह क्या रहती है? एज कम्पेयर तो रोड से तो काफी सस्ता है। तो रोड का कितने का आता है इसका? रोड का 950 का है, डबल वाला, डबल वाला। हाँ। और ये आपने बताया 650 का है। ओके, दूसरा गिम्बल्स वगैरह ये देखो, ज़ियोन का है, क्रेन 2S है। क्रेन 2S है, कितना वर्जन ले लेता है सर ये? ये 3 kg तक, 3 kg तक ले लेता है। तो ये क्या कॉस्ट करता है? ये 1290। हाँ, दूसरा ये है क्रेन 3S। ये तो और है, वो है इसे पर। ये कितने का सर? ये 1990 का है। और उसके अलावा प्रोफेशनल दूसरा ये है प्रो कॉम्बो DJI का है, RS2। ये क्या कॉस्टिंग है? 3150। ये ज्यादा कॉस्टिंग है, ऐसा क्यों? वो नाम की वजह से, ब्रांड की वजह से? ब्रांड का, सिर्फ ब्रांड का नहीं, वो कॉम्बो वाला है। कॉम्बो वाला है, एकदम प्रोफेशनल वाला है, हैवी वाला है, हैवी वाला। और ये कितना वजन लेता है? ये 5 kg ले लेता है, बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा दूसरे माइक भी हैं बड़े वाले, अगर आपको चाहिए। ड्रोन्स भी हैं, ड्रोन्स के बारे में भी बात करते हैं। तो ये FPV कॉम्बो है, FPV कॉम्बो आजकल बहुत चल रहा है। मिनी टू FPV कॉम्बो का क्या रेट है पहले? FPV कॉम्बो आपको 4200 का पड़ेगा। जो भी प्राइस बता रहा हूँ मल्टीपैपे 20 कर लीजिए, वैसे स्क्रीन पे मैं आपको प्राइस दिखा भी रहा हूँ। दूसरा ये है सबसे ज्यादा सेलिंग ड्रोन्स, DJI मिनी टू कॉम्बो। ओके, ये 250 ग्राम के अंदर अंदर आता है। ये क्या कॉम्बो कितने का सर? 1975 का। अभी इसका नया लेटेस्ट एक और आया, एसी आया है, वो थोड़ा सस्ता है। वो सस्ता है, वो कितने का है? कुछ मिलेगा 1600। वो भी कॉम्बो है? और विदाउट कॉम्बो? विदाउट कॉम्बो नहीं है, विदाउट कॉम्बो नहीं चलता है, क्योंकि उसमें सिंगल बैटरी आता है, इसमें सब ज्यादा टाइमिंग के लिए एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए। वो तो कॉम्बो लेगा, अच्छा रहेगा। और उसके अलावा Zoom 2 आ गया, Zoom 3 भी आ गया अब तो। हाँ, वो अभी आने वाला है। प्राइसिंग क्या है उनके, कुछ आइडिया दीजिए? अभी आइडिया, फिर पहले वाला कितने का है? पहले वाला 4250 का। 4250 का प्राइसिंग। आपको एक चीज बता दूं, जो ड्रोन बता रहे हैं, अभी Mavic 3 आया है, ऑलरेडी बेच चुका है, अभी कल आएगा। वो क्या कॉस्टिंग में गया है? वो 11000 का। 11000 का गया है। ओके, ग्यारह हजार रुपए का Mavic 3 क्या है? Mavic 3 कॉम्बो। कॉम्बो, ओके। तो मतलब ये जितना बता रहे तो समझ रहे मोटा मोटा कि इंडिया में इसका प्राइस और ज्यादा है। बिल्कुल, ड्रोन्स का तो, ड्रोन्स तो है ही नहीं, ऑफिशियली तो है ही नहीं ना इंडिया में। तो उसके अलावा हमारे पास काफी सारी चीजें, जैसे अपने GoPro वगैरह बता दी हैं, सारी चीजें बता दी हैं। तो और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि ये सेरेमोनिक का भी बता दो। सेरेमोनिक का माइक है, ओके, उसमें अलग अलग मॉडल का ये है। क्या कॉस्टिंग रहता है इसका? ये देखिएगा, आपको मिलेगा 600 धरम का। 600 धरम का। ये किसके साथ? फोन के लिए? ये फोन के लिए। हाँ, दूसरा कैमरा वगैरह के लिए भी आता है? कैमरा के लिए भी है। वो क्या कॉस्ट करता है? वो अलग अलग मॉडल है, उसका मॉडल के हिसाब से प्राइस रहता है, मॉडल के हिसाब से प्राइस रहता है। और ये जो अपने GoPro के जो एक्सेसरीज की बात करूँ, जैसे बैटरी हो या मीडिया मोड हो, इसकी क्या कॉस्टिंग रहती है? मीडियम मोड मिलेगा 325 का। 325 का मीडियम मोड है GoPro 9 और 10 का। दोनों का सेम है। और बैटरी कितने का पड़ता है इसका? 110 धर्म का इसका बैटरी है। ओके, कैमरा रिलेटेड आइटम्स आपको वो सब मिलेगा। तो थैंक यू भैया आपका टाइम देने के लिए। बाकी अपनी शॉप के बारे में और लोकेशन के बारे में, टाइमिंग क्या है थोड़ा बता दीजिए। टाइमिंग अभी 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक, सिर्फ फ्राइडे। ठीक है, 2 बजे से चालू है। अच्छा, फ्राइडे 2 बजे से शॉप ओपन होता है, अदरवाइज 7 डेज ओपन हो गया कायदे से। ठीक है, और लोकेशन क्या पड़ती है? लोकेशन इधर बर्दुबई में, नियर अस्टोरिया होटल। ओके, लोकेटेड है नियर सूर्य होटल, अस्टोरिया होटल। ओके, अलगुबई बस स्टेशन इधर ही है, नजदीक। ओके, ठीक है, मेट्रो स्टेशन भी है, बस स्टेशन भी है। ओके, सब नजदीक, सब नजदीकी है। अगर किसी को बस पे आना हो तो इजीली आ सकता है। मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ता है पास में? अलगुबई बस स्टेशन मेट्रो स्टेशन है। तो उसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हो, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो हाँ मैसेज कर सकते हो। और लोकेशन अगर आप इन फ्यूचर में आते हो तो लोकेशन ले सकते हो, इजीली यहाँ पहुंच सकते हो। तो यहाँ पहुंच के कॉल कर लेना, वो बात अलग है, यहाँ पहुंच के तो कॉल कर ही सकते हैं। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए।